देश में शिव के मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा और भरूच से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर जम्बूसर तहसील के कावी-कम्बोई गांव के पास खंभात की खाड़ी में 150 साल पुराना मंदिर अनोखा है। मही सागर संगम स्थान पर स्थित इस मंदिर को स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सुबह और शाम कुछ समय के लिए डूब जाता है। किस तरह खास है ये मंदिर? समंदर शिवलिंग का अभिषेक करके वापस चला जाता है। दरअसल ऐसा ज्वार भाटे के कारण होता है। यह मंदिर खंभात की खाड़ी बीच में स्थित है। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब खाड़ी में पानी कम होता है। शिवालय का उल्लेख महाशिवपुराण में भी मिलता है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इस शिवालय का उल्लेख महाशिवपुराण में भी मिलता है। मंदिर प्रशासन द्वारा खास तौर पर पर्ची छपवाई गई है जिसमें ज्वार भाटे का समय दर्शाया गया है ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। तारकासुर का वध किया। इस मंदिर के पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि राक्षस तारकासुर कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा था कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा और वह भी 6 दिन की आयु का। वरदान मिलते ही तारकासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देव ऋषि मुनि आमजन सभी बेहद परेशान थे। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुँचे।